चंबा जिला के दूरदराज गांव जमवास के बाशिंदे मोहम्मद आरिफ भट्ट ने बीटेक की पढ़ाई करने के बाद एक निजी कंपनी में नौकरी की, लेकिन उनके मन में कुछ अलग कर गुजरने की चाहत थी। आरिफ ने निजी कंपनी की नौकरी छोड़कर चंबा के चकोली में अपना व्यवसाय शुरू किया। आरिफ का कहना है कि खुद का व्यवसाय शुरू करने का मूल उद्देश्य औरों को रोजगार देना भी है। उन्होंने बताया कि इस समय करीब 15 युवा उनके साथ जुड़े हैं और अच्छी खासी आमदनी अर्जित कर रहे हैं। पढ़ाई के बाद मैंने 5-6 मंथ्स जॉब की, पर मैंने देखा कि जॉब्स में कुछ ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं दिख रहा था। अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ ज़्यादा मैं समझा कि ऐसा कुछ काम करूं जिससे मेरे से 10 से 15 लोगों को मैं रोज़गार दे सकूं, तो कुछ अच्छा करने का सोचा। 10 से 15 लोगों को मैं रोज़गार जो है मेरे और अल्लाह के हुक्म से जो है चल रहा है, और अभी जो हमारा बेसिक जो काम है वह हार्डवेयर, टाइल्स, सैनिटरी और फर्नीचर्स, जितना भी हाउस कीपिंग, जितना भी हाउस फिनिशिंग का सामान है वो सब हमारे पास अवेलेबल है। आरिफ भट्ट के साथ काम करने वाले युवा पंकज, मोहिन और यासीन ने बताया कि उन्हें उनके घर के पास ही रोजगार मिला है और वे अपने परिवारों का भरण पोषण कर रहे हैं। उनका कहना है कि लॉकडाउन के दौरान कई लोगों को नौकरी से हाथ धोना पड़ा था, लेकिन उन्हें कोई परेशानी नहीं हुई। यहाँ मैं 3 सालों से काम कर रहा हूँ, यहीं से मेरे परिवार का खर्चा चल रहा है। कोविड के दौरान यहाँ पर रोजगार नहीं मिल रहा था, हमारा परिवार यहाँ से ही पढ़ रहा है। कोविड के दौरान हमें दिक्कत नहीं हुई। मैं 3 साल से काम कर रहा हूँ, कोविड-19 के दौरान यहाँ पर मेरा परिवार पल रहा है। दाव सेंट्री और टाइल की बदौलत कोविड-19 में जो भी मतलब काम करते हैं, हमें यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं आई है, हमारी कोई जॉब नहीं छूटी, हम यहाँ पर काम करते हैं। दाव टाइल सेंटर से मैं 3 साल से काम कर रहा हूँ, कोविड-19 के चलते भी यहाँ पर रोजगार मिल रहा है और हमारा घर परिवार चल रहा है। आरिफ भट्ट से सीख लेकर अन्य पढ़े लिखे युवा भी अपना व्यवसाय शुरू कर खुद की आर्थिकी सुदृढ़ करने के साथ साथ दूसरों के लिए भी रोजगार के द्वार खोल सकते हैं। डीडी न्यूज़ के लिए ढलौजी से मंजूर मोहम्मद की रिपोर्ट।